पिछली वीडियो में हमने सीखा था एनजी फॉर लूप। वो किसी भी अरे को आइट्रेट करने के लिए हम एनजी फॉर लूप यूज करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे एनजी इफ। एनजी इफ क्या करता है, किसी भी डायनामिक कंटेंट को टेम्पलेट फाइल में शो करवाने के लिए यूज कर सकते हैं हम। एनजी इफ बेसिकली किसी भी लॉजिकल रीजन के बाद कंटेंट हम टेम्पलेट फाइल में शो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं जी, पहले कंपोनेंट की क्लास फाइल में जाते हैं और यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे जो के कंपोनेंट के इनिट होने के फौरन बाद चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, इंप्लीमेंट और यहाँ पर ऑन इनिट। ऑन इनिट, ठीक है। अब ये इंप्लीमेंट ऑन इनिट क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके साथ और भी हैं एक्शंस, तो अभी फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ऑन एनजी ऑन इनिट, वॉइड, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टाइम सेट आउट, टाइम सेट आउट, सेट टाइम आउट, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर हम इसको टाइम देंगे 1 सेकंड का। और अपनी ये मूवीज अरे को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको हम इसके बाहर इनिशियलाइज भी कर देते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं दिस डॉट मूवीज। यहाँ पर जी अब हम जाते हैं टेम्पलेट फाइल में। टेम्पलेट फाइल में मैं लिखता हूँ इमेज, इमेज को मैं सोर्स देता हूँ गिफ इमेज का, जो कि हम इंटरनेट से उसका लिंक ले लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, आप किसी भी गिफ इमेज का लिंक ले सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। जी तो लिंक मैंने इमेज का पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इमेज कब शो हो, जब हमारे पास मूवीज का वेरिएबल इनिशियलाइज ही ना हुआ हो। तो मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक एनजी इफ इक्वल टू कोटेशन और यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर मूवीज नहीं है, मूवीज का वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है तो ये मैं शो कर दे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जब इनिशियलाइज नहीं हुआ। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, अपना टाइम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्लास में जाकर मैं इसको कर देता हूँ टाइम स्टैम्प 3 सेकेंड। ठीक है, और अभी जाते हैं ब्राउजर पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देख सकते हैं 3 सेकंड तक हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, हमें गिफ इमेज शो की। उसके बाद हमने डाटा शो कर दिया और खुद हाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि मूवीज की जो अरे है, जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज है लेकिन उसमें डाटा नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे और उसमें हम एक मैसेज पास करेंगे जब उसके पास कोई डाटा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्पलेट में जाता हूँ, एक डिव लेता हूँ और डिव में मैं कंडीशन लगाता हूँ स्टैटिक एनजी इफ इक्वल टू कंडीशन, और मैं कहता हूँ कि जब मूवीज
अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये साथ दो काम करेगा, चेक करेगा कि इनिशियलाइज मूवीज का वेरिएबल इनिशियलाइज है या कि नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ इक्वल टू जीरो, अगर तो जीरो होती है लेंथ, ठीक है, तो उसको मैसेज जो डिस्प्ले करना चाहिए, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, सेव करता हूँ। और यहाँ पे जाके मैं अरे सारी एम्प्टी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ एम्प्टी। इसको क्या शो करना चाहिए, अच्छा ये देखिए, सबसे पहले 3 सेकंड के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं था, उसने गिफ में शो किया, जैसे वो इनिशियलाइज हुआ उसको अरे में कुछ नहीं मिला, तो उसने मैसेज पास कर दिया रिकॉर्ड नॉट फाउंड।